हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अपने लाइफ में बहुत ही हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो आज मैं आप लोगों के ही रिक्वेस्ट पर हमारी एक रैंडम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेकर लंच की रूटीन शेयर कर रही हूँ, और साथ ही आप लोगों के साथ आपके ही पूछे गए कुछ सवालों के जवाब भी आपको इसी व्लॉग में देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। आज अयांश के स्कूल में बच्चों के लिए क्रिसमस पार्टी है, एंड देन कल से उनकी क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो जाएगी। वैसे यहां पर बच्चों को कम से कम 10 से 15 दिनों की छुट्टियां क्रिसमस पर मिल जाती है। तो बस फिलहाल मैं किचन क्लीन कर रही हूं ताकि जल्दी से हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना सकूं। मोस्टली मैं किचन काउंटर और जूठे बर्तन रात में सोने से पहले ही क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि किचन अगर आपका ऑलरेडी क्लीन होता है तो आपके भी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाने और उससे रिलेटेड काम जल्दी हो जाते हैं। तो सुबह उठकर बस मुझे धुले हुए बर्तन जो मैंने ड्राई करने के लिए रात में काउंटर पर रखे थे उन्हें उनकी जगह पर रखकर एक बार किचन काउंटर और आइलैंड को बस अच्छी तरह ब्रेकफास्ट बनाने से पहले वाइप करना होता है। पहले जब हम अपार्टमेंट में रहते थे वहाँ एवरीथिंग एक ही फ्लोर पे था, बट यहाँ ऐसा नहीं है। मोस्टली यहाँ पर घर 2 या 3 मंजिलों के बने होते हैं। हमारा किचन और लिविंग एरिया मेन फ्लोर पर बना हुआ है जो कि मिडल पार्ट में है, और सारे बेडरूम ऊपर वाले फ्लोर पर बने हुए हैं, और सबसे नीचे बेसमेंट है जिसे मैंने बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाया है। तो जब से हम यहाँ पर आए हैं सम हाँ बच्चे यहाँ जल्दी उठ जाते हैं और फिर ऊपर बेडरूम से लेकर नीचे बेसमेंट तक उनकी परेड शुरू हो जाती है। अयांश को देखकर आजकल स्मैन भी पीडियाश्योर मिल्क पी रहा है। अभी वो पूरा मिल्क नहीं पी पाता है, बट 2 या 3 आउंस तक मिल्क वो एक बार में पी लेता है। 2 साल के होने पर आप बच्चों को पीडियाश्योर मिल्क पिलाना शुरू कर सकते हो। एक बच्चे को पूरे दिन में जितने भी न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स इसे पीने से बच्चे को मिल जाते हैं। इवन काउ मिल्क में भी इसे मिलाकर बच्चे को काउ मिल्क इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। मिल्क पीने की थोड़ी देर बाद स्मैन के कहने पर मैंने उसे खाने के लिए स्ट्रॉबेरी दिया है, और फिलहाल अब मैं बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए पेनकेक बना रही हूँ। पेनकेक बनाने के लिए मैं क्रस्टीज ब्रांड का पेनकेक मिक्स यूज़ करती हूँ जो मैंने कॉस्को से बाय किया है। वैसे यहाँ पर ऑलमोस्ट हर ग्रोसरी स्टोर में मिल जाता है। आप लोग कई बार मुझे कमेंट के थ्रू पेनकेक के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, और मोस्टली लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं पेनकेक मिक्स किस तरह बनाती हूँ। तो दोस्तों, मैं एक्चुअली पेनकेक मिक्स रेडी टू मेक यूज़ करती हूँ, डायरेक्ट स्टोर से बाय करती हूँ, जिसमें मुझे सिर्फ दूध या पानी मिलाकर बनाना होता है। बाकी सारी चीज़ें इस पेनकेक मिक्स में ऑलरेडी होती है। मार्केट में ऑल पर्पस, व्हीट और ओट से बने पेनकेक मिक्स ईजिली मिल जाते हैं, पर फिर भी अगर आपको पेनकेक मिक्स नहीं मिल पा रहा है तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं आगे किसी व्लॉग में आपके साथ पेनकेक मिक्स घर में किस तरह तैयार करें इसकी पूरी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। बच्चों के लिए पेनकेक्स बनके रेडी है। हमारे लिए मैं वेज सैंडविच बना रही हूँ। इस बार सैंडविच बनाने के लिए हम वेज पैटीज कॉस्को से लाए हैं जो कि प्लांट बेस्ड पैटीज है। मोस्टली हम कॉस्को में सैंडविच बनाने के लिए ब्लैक बीन्स या वेज बर्गर पैटीज लाते हैं, बट इस बार सोचा कि कुछ नया ट्राई करते हैं, इसलिए इस बार कोई अलग पैटीज ले आए हैं जो कि स्वाद में ओके ही है, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आए हैं, बट एक बार अब घर में ले आए हैं तो अब ख़त्म करने के लिए उसे खाना ही होगा। पेनकेक खाने के थोड़ी देर बाद मैंने बच्चों को स्मूदी बनाकर दी है, जिसमें मैंने योगर्ट, मैंगो स्लाइसेस, बनाना, स्ट्रॉबेरीज और ब्लूबेरीज डाले हैं। अयांश को स्मूदी पीना बहुत पसंद है, वो ज़्यादा फ्रूट्स नहीं खाता है, स्पेशली बेरीज, इसलिए आजकल मैं उसे बेरीज डाल के स्मूदी बनाकर दे रही हूँ ताकि ये सारे फ्रूट्स भी उसके बॉडी के अंदर जाए। वैसे उसे मीठे फ्रूट्स खाना ज़्यादा पसंद है, इसलिए स्मूदी बनाते समय एक राइप बनाना मैं ज़रूर डालती हूँ ताकि उसे स्मूदी पीने में मीठी लगे। आज अयांश को 10 बजे स्कूल जाना है। वैसे रोज़ उसकी स्कूल 9 बजे से 12:30 बजे तक होती है, पर आज 10 बजे से 1 बजे तक है। अभी फ़िलहाल मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं और मैं अयांश को स्कूल जाने के लिए रेडी कर रही हूँ। अयांश को रेडी करने के साथ साथ स्मैन को भी रेडी करना मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि अयांश जो भी करता है स्मैन को वही करना होता है, तो बस साथ में ही दोनों बच्चे रेडी हो जाते हैं। बड़ा आ जाओ, जल्दी से रेडी हो जाते हैं। चलना है, चलो लेट्स गो गेट रेडी। हु वांट्स टू गेट रेडी? हु वांट्स टू गेट रेडी?
फाइनली अयांश अपने डैडी के साथ स्कूल चला गया है और बस मैं किचन क्लीन करके अब लंच बनाने की यहाँ तैयारी कर रही हूँ। आजकल मुझे घर में वुडन स्टफ जमा करना काफ़ी अच्छा लगता है। ये किचन के कुछ स्टफ मैंने नेचर्स विजन से ऑनलाइन लिया है। एक्चुअली अयांश के स्कूल में फंड रेजिंग एक्टिविटी चल रही है, तो उनके अकॉर्डिंग अगर मैं नेचर्स विजन से ऑनलाइन कुछ भी बाय करती हूँ तो उनसे उन्हें जो भी पैसे मिलेगी वो स्कूल और कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए जाएंगे। तो बस मैंने वहाँ से किचन से रिलेटेड कुछ चीज़ें ले ली है। मुझे लंच में जो भी बनाना होता है और लंच बनाते समय जो भी सब्जियाँ लगने वाली है वो सारी सब्जियाँ मैं एक साथ निकाल कर बाहर रख लेती हूँ ताकि सब्जियों को साथ में ही क्लीन करके रख लूँ। वैसे जब से सर्दियाँ शुरू हुई है मुझे कढ़ी खाने का काफ़ी मन करता है। हफ्ते में या दो हफ्ते में एक बार तो कढ़ी ज़रूर बना रही हूँ। तो आज लंच में मैं हमारे लिए आलू वाली कढ़ी और चावल बना रही हूँ, साथ में बच्चों के लिए थोड़ी दाल फ्राई और पालक के पराठे भी बना लूँगी। ये आलू वाली कढ़ी तो मैंने रिसेंटली बनानी शुरू की है। इससे पहले मेरा जब भी कढ़ी खाने का मन होता था मैं पकौड़े वाली कढ़ी ही बनाती थी, बट पकौड़े बनाने के लिए ऑफकोर्स आपको डीप फ्राई करना होता है, जिसकी वजह से मेरे पकौड़े वाली कढ़ी साल में सिर्फ एक या दो बार ही बन पाती थी। वैसे आलू वाली कढ़ी में कोई डीप फ्राई नहीं करना होता है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। आप लोगों में से कई लोग शायद बनाते भी होंगे, पर मैं किस तरह आलू की कढ़ी बनाती हूँ इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोग भी इसे बनाकर इंजॉय कर सकें। सब्जियों को धोने के लिए जो भी पानी मैं यूज़ करती हूँ वो पानी बाद में मैं बाहर हमारे प्लांट्स में डाल देती हूँ ताकि मैं पानी को फेंकने के बजाय उसे कहीं ना कहीं यूज़ कर लूँ। कढ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है। इस कढ़ी में प्याज बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपके पास मीडियम से छोटे साइज़ के प्याज है तो आप कढ़ी बनाने के लिए दो प्याज ले लें, दो या तीन हरी मिर्च, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ और आधे से 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लें। कढ़ी बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू भी छिलकर पानी में भिगा कर रख लिए हैं। अब बस मैं इन सारी सब्जियों को काटकर कढ़ी बनाने के लिए रेडी कर लूँगी। इस समय अयांश स्कूल में है तो उसके बिना स्मैन का मन घर में ज़्यादा नहीं लगता है, वो अकेले ज़्यादा देर नहीं खेलता है, बस इस वक्त वो मेरे साथ मोस्टली किचन में होता है। फिलहाल उसके डिमांड पर मैंने उसे टमाटर दिया है खाने के लिए जो मैंने दाल फ्राई करने के लिए निकाले थे। आजकल उसका मन प्रॉपर खाना खाने में बिल्कुल नहीं है, मोस्टली वो फ्रूट्स और इस तरह के रॉ वेजिटेबल्स ही ज़्यादा खाना पसंद कर रहा है। वैसे टमाटर खाना तो स्मैन को बहुत पहले से ही पसंद है। यहाँ मैं उसे कह रही हूँ कि वो मुझे टमाटर दे, मैं उसे कट करके बोल में देती हूँ, पर आप देख सकते हो वो बिल्कुल भी अपने टमाटर मुझे मांगने पर भी नहीं देना चाहता है। इसमें देते मम्मा कप में, गुड जॉब, ला मम्मा थोड़ा सा वॉश करके कप में दे। हो वांट टू ईट टमाटर, यू लाइक इट? कढ़ी बनाने के लिए मेरी सारी सब्जियां रेडी है। एक बर्तन में मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है। आप चाहो तो अपने हिसाब से तेल कम या ज़्यादा ले सकते हो। अब इसमें मैंने कुछ खड़े गरम मसाले जैसे कि एक छोटा तेज पत्ता, थोड़ी सी जावित्री, 2 से 3 लौंग और 2 छोटी इलायची के साथ 1 चम्मच जीरा डाला है। इसके बाद आपको तेल में कद्दूकस की हुई या बारीक कटी हुई लहसुन और अदरक के टुकड़े डालकर तेल में उन्हें अच्छी तरह भूनना है। और जैसे ही आपके लहसुन भून जाए उसमें 2 से 3 हरी मिर्च लंबे आकार में काटकर डाल दें। थोड़ी देर तक मिर्च को भूनकर कटा हुआ प्याज भी बर्तन में डालकर प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। कढ़ी बनाते समय आप प्याज को जितनी अच्छी तरह तेज आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनते हो आपके कढ़ी में प्याज का स्वाद उतना ही अच्छा आता है, इसलिए आपको प्याज तेज आंच में क्रिस्पी होने तक लगातार चलाते हुए भूनना है। प्याज के अच्छी तरह भून जाने पर उनकी क्वांटिटी भी लगभग आधी हो जाती है। अब यहाँ हमारे प्याज भूनकर रेडी है। धीमी आंच करके अब हम प्याज में अपने सारे मसाले एक एक कर डाल देंगे। यहाँ मैंने मसालों में लगभग 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर उन्हें प्याज में मिलाते हुए धीमी आंच पर अच्छी तरह 1 से 2 मिनट तक भून लिया है। मसाले अच्छी तरह भून जाने पर अब आपको इसमें छोटे साइज में कटे हुए आलू भी डालकर आलू को मसालों में अच्छी तरह भूनते हुए मिलाना है ताकि आपके आलूओं में सारे मसाले अच्छी तरह लग जाए। 2 मिनट तक मसालों में आलू भुनने के बाद अब धीमी आंच पर आपको आलू ढककर बीच बीच में चलाते हुए पकाना है। स्मैन, क्या कर रहे बेटा, नीचे उतरो, डेंजरस, डू यू नो दैट डेंजरस, ये चाहिए ले लो, चलो
We gonna play. Come. Do you want to sit here? Who wants to play car? Shman? Peppa? Okay, Peppa dekhenge. Aaja. Baith ke Peppa dekhenge. Theek hai? Mama ne TV on kar diya hai. Peppa dekhenge. क्या देखना है आपको? पेपर देखना है? क्या देखना है आपको? ब्लिपी? ब्लिपी? ओके. नो पेपर? ब्लिपी? या. कड़ी के साथ साथ दूसरे चूल्हे पर मैं यहाँ घी बना रही हूँ. कई लोग कमेंट के थ्रू मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि क्या मैं बच्चों को खाना खिलाते समय टीवी या मोबाइल देखने देती हूँ. तो एक्चुअली खाना खाते समय तो मेरे बच्चे इतना टीवी नहीं देखते हैं, पर जी हाँ टीवी तो ज़रूर देखते हैं. स्पेशली जब भी मुझे कुछ ऐसा काम करना होता है जहाँ मैं अपने बच्चों पर नज़र नहीं रख पा रही हूँ, उस समय मैं ज़रूर टीवी ऑन करके जाती हूँ. अभी थोड़ी देर पहले ही आपने देखा होगा कि इसमें स्टोव की ओर जा रहा था, तो ऐसे समय में उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए मुझे उन्हें थोड़ी देर के लिए टीवी लगा कर देना पड़ता है. जब तक मेरे आलू पक रहे हैं तब तक मैं कढ़ी बनाने के लिए दही और बेसन का घोल बनाकर तैयार कर रही हूँ. इसे बनाने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून बेसन लिया है. बेसन को मैंने अच्छी तरह छान लिया है जिससे बेसन में कोई लम्स ना रह जाए. अब 2 चम्मच बेसन में आपको 2 कप दही डालकर दोनों को अच्छी तरह मिलाना है. बेसन में दही थोड़ा थोड़ा मिलाए जिससे बेसन और दही अच्छी तरह एक दूसरे में मिल जाए. अब आपको 2 कप दही में कम से कम 4 से 5 कप पानी डालकर इन्हें अच्छी तरह मिलाकर इनका घोल बनाकर तैयार कर लेना है. जब आपके आलू अच्छी तरह पक जाए तब आपको यह दही और बेसन का घोल आलू में डाल देना है. ये प्रोसेस आप धीमी आंच पर ही करें. अब हल्के हाथों से कढ़ी को चलाएं, धीरे धीरे चलाएं जिससे आपके आलू टूटे नहीं. साथ में यहाँ मैं बच्चों के लिए दाल फ्राई कर रही हूँ. कढ़ी को धीमी आंच पर बीच बीच में चलाते हुए 30 से 40 मिनट तक पकाएं. मुझे कढ़ी बनाने में कम से कम 40 से 45 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि जब कढ़ी धीमी आंच पर धीरे धीरे अपना टाइम लगाकर आराम से पकती है तब कढ़ी का स्वाद बहुत ही मज़ेदार होता है. लगभग 40 मिनट बाद आप कढ़ी में नमक डालकर स्टोव बंद कर दें. कढ़ी के साथ साथ यहाँ मेरी दाल भी बनकर रेडी है. अगर आप चाहो तो कढ़ी और दाल में ऊपर से हरा धनिया भी डाल सकते हो. कुछ लोग पूरी कढ़ी बनने के बाद लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, जीरा और राई के साथ कढ़ी में ऊपर से तड़का भी लगाते हैं. ऊपर से तड़का लगाने पर कढ़ी का स्वाद और भी अच्छा होता है, पर अगर आप फिर से तड़का दोगे तो आपको और ऑयल यूज़ करना पड़ेगा, जो मैं नहीं करना चाहती हूँ. इसलिए मैंने अपने कढ़ी को ऐसे ही रहने दिया है और मेरी कढ़ी बनकर रेडी है. एक चूल्हे पर अब मैंने हमारे लिए चावल को पकने रख दिया है और यहाँ मैं बच्चों के लिए पालक के पराठे बना रही हूँ. पालक के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ गेहूँ के आटे में थोड़ी अजवाइन, कसूरी मेथी, नमक और 1 कप पालक को बारीक काट कर सभी को अच्छी तरह मिक्स कर आटा गूंथ कर तैयार कर रही हूँ. पराठे बनाने के लिए हमें नॉर्मल, जैसा कि हम रेगुलर रोटी या पराठे बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, उसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ कर तैयार करना है. आटा गूंथने के बाद गूंथे हुए आटे को 10 से 15 मिनट तक मैंने फूलने के लिए रख दिया है. 10 मिनट बाद मैंने बच्चों के लिए पराठे बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अयांश के घर आने का टाइम ऑलमोस्ट हो गया है और अयांश के घर आने के बाद ही मोस्टली हम लंच करते हैं. कम्युनिटी चैट पर मेरे 3-4 व्यूअर्स ने एक कॉमन क्वेश्चन किया था कि मैं बच्चों के साथ घर के काम और यूट्यूब से रिलेटेड काम कैसे हैंडल करती हूँ, और या जब स्मैन मेरे साथ अकेले होता है तब वह क्या मुझे यूट्यूब से रिलेटेड काम करने देता है या नहीं. तो एक्चुअली मैं बच्चों के साथ सिर्फ बच्चों की टेक केयर और घर में रोज होने वाले काम करती हूँ. यूट्यूब से रिलेटेड वर्क मैंने अभी तक बच्चों के साथ कभी भी नहीं किया है. मैं उनके साथ वीडियो शूट तो करती हूँ बट वीडियो की एडिटिंग कभी नहीं करती हूँ. मेरे YouTube से रिलेटेड सारे काम उनके सो जाने के बाद रात में ही होते हैं, और इसी की वजह से मैं फिलहाल ज़्यादा YouTube वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैं काफ़ी टायर्ड हो जाती हूँ और जिसकी वजह से आजकल मैं वीडियो एडिट नहीं कर पा रही हूँ. लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि घर, बच्चे और YouTube को मैं अच्छी तरह मैनेज कर पाऊँ. बच्चों को लंच कराकर यहाँ मैंने अपने लिए भी लंच निकाल लिया है. सच में कढ़ी बहुत अच्छी बनी है, आप लोग भी बनाकर ज़रूर ट्राई करना. और आप लोगों को ये रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना.
जब से हम यहाँ नए घर में आए हैं, लंच करने के बाद दोपहर में जब भी अच्छी धूप निकली हो, मैं आजकल बच्चों को बाहर हमारे बैकयार्ड में खेलने के लिए ले आती हूँ, ताकि बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज भी कर सके। वरना तो आजकल बच्चे घरों में बंद रहकर मोबाइल, टीवी और टैबलेट्स के साथ ही अपना सारा वक्त गुजारना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से आजकल बच्चों के ग्रोथ पर काफी बुरा असर भी हो रहा है। गो हिट द बॉल। जैसा कि आप सब जानते हो कि क्रिसमस आ रहा है और हमने पहली बार अयांश के कहने पर क्रिसमस ट्री लेकर आए हैं। बच्चे चाहे यहाँ के हो या इंडिया के हो, क्रिसमस आजकल सभी बच्चों को सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है और बच्चों की खुशी की खातिर ही इस बार हम भी क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देख ही सकते हो कि अयांश और स्मैन दोनों भी क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ। Give me one more. और एक अप लगाना है हमें। आप होल्ड करो, मम्मा हेल्प करती है। मम्मा, I can do this. Be careful not to fall down. Good job. मम्मा, बेटा। और बस इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों को एक नए व्लॉग के साथ ज़रूर मिलूंगी। तब तक आप सभी लोग अपने लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करें और हैप्पी रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।